हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अघोषित लाइट कटौती के विरोध में राज्यपाल के नाम के ईएन को सौंपा ज्ञापन। कस्बे में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल कैलाश नगर द्वारा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों, बिजली की अघोषित कटौती, दलितों पर अत्याचार, माता बहनों के साथ दुराचार, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, अस्पतालों में अव्यवस्था, पीने के पानी की भारी किल्लत आदि समस्याओं को लेकर प्रदेश नेतृत्व व जिला अध्यक्ष नारायण जी पुरोहित के निर्देशानुसार सिरोही विधानसभा क्षेत्र के पोसालिया जीएसएस कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। जीएसएस कार्यालय पर पूर्व राज्य मंत्री व पूर्व सिरोही विधायक कोटा राम जी देवासी के नेतृत्व में सहायक अधिशासी अभियंता को राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से बिजली की अघोषित कटौती से राज्य भर में आमजन बहुत परेशान है, जिससे गर्मी में आमजन को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर विद्यालय में परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को भारी समस्या हो रही है। लाइट कटौती के कारण पानी की बहुत समस्या हो रही है। अस्पतालों में आम जन परेशान है, जिससे भारतीय जनता पार्टी मंडल कैलाश नगर पूर्णतः विरोध करता है। अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में बहुत बड़ी संख्या में महा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्णतः जवाबदारी प्रशासन की होगी। जल्द से जल्द बिजली समस्या का समाधान व आम जन को राहत दिलवाने की मांग की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष गणेश पुरोहित, मंडल महामंत्री अमृत अग्रवाल, भाजपा नेता प्रताप परमार, प्रधान प्रतिनिधि बिशन सिंह देवड़ा कैलाश नगर, पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल उत्मन, भाजपा युवा मोर्चा सोशल मीडिया से प्रवीण सिंह राव, चंदन सिंह रोवाड़ा, किशोर खंडेलवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष पुखराज माली, पन्ना राम जवेचंद, करण सिंह देवड़ा, मुफ्त सिंह देवड़ा, जवाना राम, ईश्वर सिंह, नरपत सिंह, कमल सिंह राव, योगेंद्र पाल सिंह, शेषाराम, रामाराम देवासी, रूपा राम, मीठा राम, रावता राम, नारायण लाल, संजय कुमार, विनोद कुमार, अक्षय सिंह व पुलिस चौकी से निम्बा राम मौजूद रहे। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।